राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश तथा ललित कला एवं संगीत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कला के रंग कुंभ के संग चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मकसद ऐतिहासिक भारतीय संस्कृति एवं कुंभ सजोने तथा विभिन्न छोटे स्थानों से प्रतिभा को खोज के उन सभी प्रतिभागियों को एक प्लेटफॉर्म देना है। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय सहित 6 महाविद्यालय के 49 छात्राओं ने सम्मिलित हुए। सभी प्रतिभागियों ने अपने मनचाहे रंगों से कुंभ को कैनवास में उतारा। प्रतियोगिता संयोजिका एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह ने कहा कि विभिन्न पिछड़े इलाकों में ऐसे कई छात्र छात्राएं मौजूद हैं जिनके अंदर प्रतिभा असीमित है और इस प्रकार के कार्यक्रम अगर होते रहे तो निश्चित रूप से इन सभी छात्राओं का भविष्य उज्जवल होगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रतिभागियों एवं कार्यक्रम संयोजिका एवं विभागाध्यक्ष उषा सिंह ने कहा है ना श्रद्धा हमने साथ में जाने हमारा गोड़ी बनेंगे ना क्या नाम है आपका? वंदना गौतम। कहाँ से आए आप? भटनी से, भटनी देवरिया। आप जो पेंटिंग में क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हम इसमें कुंभ का जो मेला है, जो हमारी देश की परंपरा है, जो कुंभ मेला लगता है, उसमें हम दर्शाए हैं इसको। यहाँ पे जो सूर्योदय हो रहा है और ये शंख बजा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है अघोरी। इसमें मैं सबसे पहले अघोरी को दिखाऊंगा। अघोरी बाबा जो होते हैं उन्हें मैं दिखाई हूँ। क्या नाम है आपको? शिवम कुमार गुप्ता नाम है मेरा। गोरखपुर विश्वविद्यालय फाइन आर्ट सिद्धार्थ नगर से। पेंटिंग में क्या दिखाना है सर? पेंटिंग में हम ये दिखाना चाहते हैं, हम लोग को टॉपिक मिला है कुंभ पे, तो जो कुंभ का स्टार्टिंग में था कि समुद्र मंथन से ही कुंभ की शुरुआत हुई थी, लेकिन समुद्र मंथन में विष तो बाद में निकला था, उससे पहले विष निकला था और वो विष इतना खतरनाक था जिससे पूरी संसार ही नष्ट हो सकता था। लेकिन हमारे शिव जो महादेव शिव थे उस विष को ग्रहण किया, जो कोई देवी देवता नहीं कर सकता था। अगर वो विष इन्होंने ग्रहण ना किए होते तो ना तो कुंभ होता, ना हम आज यहाँ होते, ना ये संसार होता। तो उस कुंभ जो विष निकला था, जो शंकर जी ने उनको ग्रहण किया था, तो उनकी पीड़ा के रूप में हम उसको दिखाना चाहते हैं कि अगर ये ना होता तो कुछ भी ना होता आज। क्या नाम है आपका? शिवांगी। शिवांगी, क्या इस पेंटिंग में दर्शाना चाह रही हैं? ये कुंभ मेला में आए हुए नागा साधुओं की पेंटिंग को दर्शा रहे हैं। और क्या जो नागा साधु होते हैं, क्या उनका पर्पस होता है? ये दूर दूर से आते हैं वहाँ पे स्नान करने। इनकी श्रद्धा इतनी है कि भगवान, मतलब उनकी क्या बोलते हैं, कुंभ में नहाने के लिए आते हैं और वहाँ रुक के कुछ दिन पूजा वगैरह करते हैं। ये राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं हमारे ललित कला एवं संगीत विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में कला के रंग कुंभ के संग ये चित्रकला प्रतियोगिता है। ये पूरे उत्तर प्रदेश के 11 विश्वविद्यालयों में आयोजित है और ये यहाँ से 11 पेंटिंग सेलेक्ट करके
जाएंगी एकेडमी और वहाँ से 11 विश्वविद्यालय से जो 11 पेंटिंग सेलेक्ट होके आएंगी उनमें से सिलेक्शन होगा 11 का और उन्हें प्राइज़ दिया जाएगा 15,000 रुपये प्रशस्ति पत्र और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 49 यूनिवर्सिटी और कॉलेज को लेके उसमें भी हमारे संख्या निर्धारित किया था 70 दिया था हमने हमारे पास एकेडमी ने कि 70 से ज़्यादा नहीं ले सकते पर इतने ही बच्चे 20 हमारे यहाँ से तो कंप्लीट है पर कॉलेज के उतने प्रतिभागी नहीं आ पाए बहुत सारी छुट्टियाँ होने की वजह से या और भी उनका कारण होगा। इतने स्टूडेंट 49 हमारे पास ये कंपटीशन में उतरे हैं और यहाँ से आज 3 जज का पैनल होगा और इसमें 11 पेंटिंग सेलेक्ट करके हम लखनऊ भेजेंगे एकेडमी में और फिर वो वहाँ से अपने स्तर से वो फिर सिलेक्शन करेंगे। तैयारी कैसे बच्चों की तैयारी सब्जेक्ट तो पहले ही है कला के रंग कुंभ के संग ये सब्जेक्ट पहले से निर्धारित है और ये महाकुंभ जो होने वाला है जिसके लिए बहुत सारी तैयारी शासन प्रशासन कर रही है और उसी में इस तरह की गतिविधियां कुंभ जो धीरे धीरे एक मॉडर्निटी की तरफ हमारी युवा जो बढ़ रही है उसको आकर्षित करने का अपने परंपरा संस्कृति कला की ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता एकेडमी आयोजित कर रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है इन बच्चों में कि हम कुंभ अब देखेंगे थोड़ी देर में कि ये कुंभ का पूरा रूप निकाल के लाएंगे। कोई अघोड़ी बनाएगा कोई साधु बनाएगा कुछ समाज को दर्शाएगा कुछ उसके लुप्त गतिविधियों को परंपराओं को दर्शाएगा। हाँ जो मतलब ये जितना जानते हैं उनको पहले फीडबैक भी दिया गया है कि ये होना चाहिए या ये होता है कुंभ का मतलब क्या है ना कला क्या चीज़ है तो उनको बताया अब ये अपने दिमाग से बनाएंगे ये है और ये क्रिएशन जो निकल के आएगा ये फाइनल आप देख सकेंगे।